जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो है हमारी वीडियो का मॉडर्न हिस्ट्री टॉप 20 क्वेश्चन का पार्ट टू है। तो दोस्तों, जिसने मेरी पार्ट टू की पार्ट वन की वीडियो नहीं देखी हो तो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो दोस्तों वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों, आज भी मॉडर्न हिस्ट्री में आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलने वाले, वो भी ऐसे क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकेटर में। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखने करते हुए। दोस्तों, जैसा कि आप पहला हमारा प्रश्न देख रहे हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना जो हुई थी सन 1928 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई थी? दोस्तों, हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहनी ने दिया था। तो दोस्तों, ये जो है भगत सिंह के समय में यह नारा बहुत ज़्यादा प्रचलन में था। तो दोस्तों, नेक्स्ट मॉडर्न क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो दोस्तों, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन जो है सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? दोस्तों, अर्धनग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। दोस्तों, बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पेश है, तो दोस्तों, वाय खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? दोस्तों, खिलाफत आंदोलन जो था वो शौकत अली व मोहम्मद अली ने चलाया था। किसने चलाया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई थी? तो दोस्तों, पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है सन 1935 ईस्वी को पारित हुआ था। कब हुआ था? सन 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो कैबिनेट मिशन योजना बनी सन 1946 ईस्वी को, कैबिनेट मिशन योजना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो दोस्तों, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ? दोस्तों, चौरी चौरा कांड जो है गोरखपुर स्थान में हुआ था। कब हुआ था? गोरखपुर स्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में सन 1919 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में सन 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट जो था सन 1931 ईस्वी को रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? दोस्तों, गांधी इरविन समझौता जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक रामप्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी आर दास साइमन ने की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और वी आर दास साइमन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों, साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर सन 1927 ईस्वी को की गई थी, साइमन कमीशन की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों, 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, 23 फरवरी सन 1942 ईस्वी को कुरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया था? तो दोस्तों, 23 फरवरी सन 1942 ईस्वी को कुरायल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने? सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने राजी किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार मेरे द्वारा पढ़ाए गए, यदि आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आए हो तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल स्वास्थ्य का जगह को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे चैनल स्वास्थ्य का जगह को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल पाए। और दोस्तों, आप अगर वीडियो को लाइक करते हो तो दोस्तों, हमें एक तरह प्रोत्साहन मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे ही हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और क्वेश्चन बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और हम आपके लिए सर्च करते रहते हैं कि कैसे हम आपके लिए उपयोगी
वीडियो बना पाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।